बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आबद और आप देख रहे हैं स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल। तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं क्रिएटिव राइटिंग के क्विज नंबर 3 का सोल्यूशन के साथ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि क्रिएटिव राइटिंग के क्विज नंबर 3 आ चुका है, तो मैं इसका सोल्यूशन आपके पास लेकर हाजिर हूँ। ये क्विज मैं आपके सामने ही सोल्व करूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टडी प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई क्विज या एक्सरसाइज वगैरह का सोल्यूशन अपलोड किया करूंगा तो आपको सबसे पहले वो मिल जाया करेगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अपने LMS में लॉगिन हूँ। लॉगिन होने के बाद सिंपली अपने क्विजेज के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू न्यू क्विजेज, ठीक है, आपने सिंपली क्विजेज पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमने क्रिएटिव राइटिंग के क्विज करने हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम है कि April 6 को ये ओपन हुआ है और April 10 इसकी लास्ट डेट है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली टेक क्विज पर क्लिक कर देना है, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी इंस्ट्रक्शन को देख लेना है, ये वाली, ठीक है, इसका लाजमी से पढ़ लेना है। उसके बाद आपने सिंपली स्टार्ट क्विज पर क्लिक कर देना है और क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, चूज द सेंटेंस दैट शो करेक्ट पैरालिज्म, ठीक है, जिसमें करेक्ट पैरालिज्म है। माय ब्रदर लाइक टेनिस मोर देन टू बी प्लेइंग बेसबॉल। माय ब्रदर लाइक टेनिस मोर देन टू प्ले बेसबॉल। माय ब्रदर्स लाइक टू प्ले टेनिस मोर देन प्लेइंग बेसबॉल। माय ब्रदर लाइक टेनिस मोर देन ही लाइक बेसबॉल। तो इसका ये तीसरा आएगा, माय ब्रदर लाइक टू प्ले टेनिस मोर देन प्लेइंग बेसबॉल। इसका इस ये आएगा, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, विच न्यू एलिमेंट कैन यू ऐड टू योर इंस्टाग्राम बायो एज ऑफ April 2018। कैप्शन, लिंक, हैशटैग, इमोजीज। विच एलिमेंट यू कैन ऐड टू योर इंस्टाग्राम बायोज, तो इसमें हैशटैग को यूज़ कर सकते हैं या लिंक को, कैप्शन को, इमोजीज को। तो लिंक भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हैशटैग भी यूज़ करते, कैप्शन इमोजीज होगा, ठीक है। तो बाकी हम इसे चेक कर लेते हैं, कंट्रोल सी, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे कंट्रोल वी इंटर। इज ट्राइंग टू, तो इसे मैं ओपन करूंगा। IGTV मेकिंग अ पोटेंशियल अबाउट द, उसके बाद लाइक स्टिकर एंड इमोजीज। तो ये हमें पता चल चुका है इमोजीज, जैसा कि मैंने बताया था, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, न्यू आर्टिकल इज मीन टू कन्वे फैक्ट सो योर राइटिंग शुड बी। A new article is meant to convey fact, so your writing should be worried, objective, sophisticated, funny. तो इसे भी हम यहाँ से करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, इसके बाद गूगल में जाएंगे कंट्रोल ए, कंट्रोल वी एंटर। द ओपिनियन मेंबर सो द न्यू आर्टिकल, न्यू आर्टिकल इज मीन टू कन्वे फैक्ट सो योर राइटिंग शुड बी वर्ड ऑब्जेक्टिव, तो आपकी जो आर्टिंग होनी चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, चूज अ सूटेबल एंडिंग फॉर फॉलोइंग सेंटेंस। ही रन ऑल द वे बट ही कैच द ट्रेन, ही मिस द ट्रेन, ही लाफ, ही सा द ट्रेन। ही रन ऑल द वे बट ही रन ऑल द वे, वो सारे रास्ते भागता आया, बट लेकिन ही मिस द ट्रेन, ही कैच द ट्रेन। तो इन दोनों में से आएगा ही रन ऑल द वे बट ही कैच द ट्रेन, तो बट ही मिस द ट्रेन, तो इसका आएगा बट ही मिस द ट्रेन। तो इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, व्हाट इज वीडियो गेम जर्नलिज्म। वीडियो गेम जर्नलिज्म क्या है? प्लेइंग अ वीडियो गेम, रिपोर्ट एंड डिस्कशन ऑफ वीडियो गेम, राइट रिसर्च आर्टिकल अबाउट वीडियो गेम, राइट स्टोरी अबाउट वीडियो गेम। वीडियो गेम जर्नलिज्म, तो इसे हम करेंगे यहाँ से कॉपी, उसके बाद गूगल में जाएंगे, यहाँ से कंट्रोल ए, कंट्रोल वी एंटर। वीडियो गेम इज़ अ ब्रांच ऑफ जर्नलिज्म कंसिडर विद रिपोर्टिंग एंड डिस्कशन, तो इसका आ जाएगा रिपोर्टिंग एंड डिस्कशन ऑफ वीडियो गेम। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन।
तो क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, व्हाट इज रिव्यू? रिव्यू क्या है? इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिंग रिसर्च वर्क, इन्वेस्टिगेटिंग रिसर्च वर्क प्लस रिपोर्टिंग, रिसर्च रिपोर्टिंग प्लस रिसर्च, व्हाट इज रिव्यू? इसे हम करेंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। फंक्शन तो इसका आ जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा, व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग? कंटेंट मार्केटिंग क्या है? डाइवर्सिफाइड कलेक्शन ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी दैट रीच अ लार्ज ऑडियंस, अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग फोकस ऑन क्रिएटिंग पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉन्टेंट टू अट्रैक्ट द टारगेटेड ऑडियंस, बिजनेस डॉक्यूमेंट आउटफिलिंग योर मार्केटिंग फॉर्म, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉन्टेंट मार्केटिंग, डिवर्सिफाइड कलेक्शन ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी। तो इसका आएगा फॉर्म ऑफ मार्केटिंग फोकस ऑन क्रिएटिंग पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉन्टेंट टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। तो इसका ये बार आएगा, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन, दे आस्क्ड हिम एंड आई टू जॉइन द स्टाफ, दे आस्क्ड ही एंड मी टू जॉइन द स्टाफ। तो पहले वाला तो गलत हो जाएगा, इसका दे आस्क हिम एंड मी, दे आस्क ही एंड मी, तो इसका आएगा दे आस्क ही एंड मी टू ज्वाइन द स्टाफ। सिम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, व्हाट आर इन्फोग्राफिक? इन्फोग्राफिक क्या है? मूविंग ग्राफिक इन वीडियो, इंफॉर्मेशन डाटा इन फॉर्म ऑफ ग्राफ, ग्राफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा और नॉलेज, अ शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग सम आइडिया। तो इन्फोग्राफिक जो होते हैं और वो ग्राफिकल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा और नॉलेज, ठीक है, इसे हम ये टिक करेंगे, उसे करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी ऑफ डैश विल हेल्प अस राउट मोर एक्यूरेटली प्रिसाइजली, वोकैबुलरी ऑफ नाउन, ग्रामर, लैंग्वेज, वर्ड्स, अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी ऑफ नाउन्स, ठीक है, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। तो फाइनली हमारे क्विज हो चुके हैं कंप्लीट। तो देखा हमने किस तरह इजी अपने क्विज को सॉल्व किया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने क्विज को इस तरह सॉल्व करें तो आपने लाजमी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।